सॉस डालूंगी। और बड़े मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डालने हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हम नहीं डालेंगे। एक चम्मच वन टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स मैंने डालनी है इसमें, ठीक है, ये मैंने डाल दी हैं। और वन टीस्पून के करीब जो है वो मैं इसमें चिली पाउडर डाल दूंगी, ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अच्छा, आधा चम्मच के करीब जो है वो मैं इसमें पेपरिका पाउडर डालूंगी कलर के लिए, ठीक है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल देना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा मैं डालूंगी यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो मेरे पास पिसा हुआ है, वो मैं डाल दूंगी तकरीबन तकरीबन हाफ टेबल स्पून, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास पिसा हुआ है, ये मैंने ये डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर थोड़ा सा, घर में पिसा हुआ जो होता है आपको पता है, और वो मैं आधा चम्मच डाल दूंगी, ठीक है। और नींबू का रस मेरे पास इसमें जाएगा, वो मैं ले अभी डालती हूँ इसमें, और दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं आधा नहीं बल्कि एक टीस्पून के करीब जो है वो नींबू का रस डाल दूंगी, और मैं डालूंगी इसमें तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो कॉर्नफ्लोर डाल दूंगी अच्छी तरीके से। उसके बाद जो है वो अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा हाँ, एक चुटकी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी, सिर्फ एक चुटकी, वो इसलिए कि हमारी जो चिकन 65 है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की दिखे, ठीक है। अच्छा, ये डाल के बस मैंने इसको जो है वो मिक्स मारना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको ये फ्राई, ये मैंने डाल दिया अपना बेकिंग सोडा सिर्फ एक चुटकी के करीब, और थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूंगी आप लोगों के सामने। इसमें नमक भी है इसीलिए मैंने नमक थोड़ा कम डाला था। बस ये सब चीज़ें हो गई हैं और मैं अब जाती हूँ फटाफट इसको फ्राई करती हूँ। आपकी मर्जी है, अगर कुछ लोग अंडा डाल के फ्राई करना चाहते हैं और कुछ लोग अंडा स्किप कर देते हैं, तो ये आप टोटली आपके ऊपर है कि आप डालना चाह रहे हैं या नहीं। मैं स्किप कर रही हूँ टुडे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, हम इसको मिक्स करके और फ्राई के करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो है वो चिकन को जो है वो मैरिनेट करके जो है वो रख दिया है, ठीक है ना। 15 मिनट के लिए मैं बस उसको छोड़ूंगी। इतनी देर में मैंने यहाँ चावल ले लिए, मैंने जो ये चावल जो है वो पिछले 1 घंटे से भिगोए हुए थे, अभी मैंने थोड़ा सा इसका पानी निकाला है। इसमें मैं चंद एक इंग्रेडिएंट्स डाल के सिर्फ इसको एक प्रेशर दे लूँगी। उसमें है हमारा एक स्टार अनीस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पर 2.5 मग चावल लिए हैं, मैंने यहाँ पर 2.5 मग चावल लिए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे पुदीना है धुला हुआ है ये, ठीक है ना, तो मैं ये डाल दूंगी। हरा धनिया डाल दूंगी, थोड़ी सी मिर्चा डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये आपने बस जो है ना ये एक क्विक सी रेसिपी आपकी बन जाएगी, ठीक है, ये डाल देना है आपने। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 2 चीज़ें और डलेंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। हरा धनिया, पुदीना, और यहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टेबल स्पून जो है वो शाही ज़ीरा ले लूँगी मैं, जो काला ज़ीरा हम बोलती हैं वो डाल दूँगी इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, ये है शाही ज़ीरा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है ना, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। आधा आधा चम्मच जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे हम इसके अंदर, सिर्फ आधा आधा चम्मच, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने इसमें डालना है नींबू का पानी 1 टीस्पून के करीब, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स। और हमने इसमें डालना है 2 टेबल स्पून जो है वो हम इसमें देसी घी का डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है देसी घी तो आप कोई कुकिंग ऑयल भी डाल सकती हैं, ठीक है। ये देसी घी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 टेबल स्पून, और मैंने जैसे आपको बताया मैंने 2.5 मग चावल लिए हैं, कप नहीं, मैंने 2.5 मग चावल लिए हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको बताती हूँ आपको कि कितना पानी डाल के और हम इसको जो है वो क्या करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिनेमन स्टिक और होल गरम मसाला जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ, एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा ये जैसे आप 5-5, 6-6 दाने ले लीजिए, एक ये जो है वो इलायची डाल दूंगी मैं थोड़ा सा। तो बस ये, इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ
चूल्हे पे। जी तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे हमने ये चावलों में सब चीजें अच्छी तरीके से हम मिला देंगे, ठीक है, और इसको हम प्रेशर कुकर लगा देंगे। मैं डाल देती हूँ प्रेशर कुकर में। अच्छा, पानी का आप लोगों को हिसाब देखना है, अच्छी तरीके से मिला दीजिए। आप अपने हस्बैंड जायका नमक भी शामिल करना है इसमें ज़रूरी, याद से, ठीक है। और पानी का आप लोग अंदाज़ा कर लीजिए कि बस पानी जो है वो इतना डालना है कि सिर्फ हमारे चावल जो है वो डूबे हुए हों, ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 कप मेरे ख्याल पानी जाएगा इसमें, क्योंकि प्रेशर कुकर में वो जल्दी पक जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना पानी मेजर करके डालना है। जी व्यूअर्स, मैंने इसमें नमक डाल लिया है तकरीबन 1.5 चाय ये वाला चम्मच, ठीक है। तो फिर हम बाद में भी चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें और स्पाइस डालेंगे। यही वाला जो है मग जो है वो मैंने चावलों के लिए है, 2.5 मग, तो मैं इन्हीं से मेजर करके वो है वो पानी डाल देती हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा क्योंकि कितना पानी डल रहा है, तो मैं आप लोगों को भी बता सकती हूँ फिर। तो बस ये हम पानी डाल के और इसको एक प्रेशर लगा लेंगे। देखिए, बस मैंने पानी इतना ही डाला है कि सिर्फ ये जो है वो हमारे चावल जो है वो इसमें बन गए। तो हम मिलते हैं एक प्रेशर के बाद, और इन द मीन टाइम मैं रेडी करती हूँ कढ़ाई और हम लोग फ्राई करेंगे चिकन। जी तो यहाँ पे हमारी कढ़ाई में अच्छी तरीके से हमने तेल को जो है वो गर्म कर लिया है, ठीक है, और मैं जो है वो बस अब इसको फ्राई करना शुरू करूँगी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो लेग एंड थाई का बोनलेस लिया है, आप लोग ब्रेस्ट का भी ले सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर मुनसर है, ठीक है ना। ये इसको मैं सारे को फ्राई कर लूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, उसके बाद जो करूँगी मैं आपके सामने बताऊँगी कि मैंने क्या करना है, ठीक है ना। आपकी मर्ज़ी है, पकोड़ा स्टाइल में कर लें, आपकी मर्ज़ी है छोटा कर लें, बड़े कर लें, ये आपके ऊपर कैसी आप लोग खाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को ये फ्राई के बाद, बताती हूँ इसकी शक्ल, और उसके बाद जो है वो सिर्फ हमने एक ही स्टेप और करना है चावलों के साथ, जब तक हमारे चावल बन जाएंगे मैं आपको मिलती हूँ उस वक्त, ठीक है ना। तो मैं ये फ्राई करके मिलती हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स देखिए, मैंने जो है वो माशाल्लाह से यहाँ पे ये चिकन को जो है वो फ्राई कर लिया है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो आपस में चिपके नहीं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे चावल जो है वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली एक सीटी के बाद जो है वो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, तो चूल्हे की हीट से ही दूसरी सीटी बजी है और फिर मैंने चावल को उतार के रख लिया। अब मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पे मैंने एक कटोरा ले लिया है आप लोगों के सामने यहाँ पे देखिए, और आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं जो है इसमें कोई से भी ब्रांड के आप जो है वो बिरयानी का मसाला ले लें वो डाल दीजिए, ठीक है। एक चम्मच मैं यहाँ पे जो है ना एक चम्मच बॉम्बे बिरयानी डाल रही हूँ, कोई से भी ब्रांड का हो इसमें का कोई मसाला नहीं है, ठीक है ना। और एक ही चम्मच जो है वो मैं इसमें सिंधी बिरयानी का डाल रही हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ये डाल के कि क्या करना है। तो हम नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये एक चम्मच हो गया, ये 2 चम्मच हो गया, ठीक है। बस इतना हमने डाल दिया इसको, और इसके बाद मैं इसमें जो है वो डालूंगी आपके सामने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब चिली पाउडर, ठीक है, और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून के करीब में, ठीक है ना। बस मैंने ये डाल दिया, और हमने डालना है इसके अलावा 1 टेबलस्पून घी, और अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं है, तो ये डाल देना है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, मेरा यहाँ पर जमा हुआ है इसलिए ज़रा सा मुश्किल हो रही है। एनीवेज, अच्छा, तो इसके अलावा जो है वो मैंने डालने हैं तकरीबन 6 टेबलस्पून मैं दही ले लूँगी कर्ड, ठीक है ना। 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून, 5, 6, है ना। तो ये ले लेंगे हम, बस हमने इसको कुछ भी नहीं करना है, मैंने इसको जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये हमारा मसाला हो जाएगा तैयार, नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची का पाउडर पिसा हुआ है विच इज़ ऑप्शनल, वो डाल दीजिए, और अगर आप लोग किसी
पार्टी वार्टी के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसमें कलर डाल सकते हैं, ऑरेंज कलर जो बिरयानी का नहीं होता है, और या अगर आपके पास बिरयानी का एसेंस है ना तो वो डाल दें तो उससे बड़ी अच्छी ना ऐसी खुशबू सी आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने मिला लिया है। चावल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सीटी के बाद जो है वो मैंने प्रेशर कुकर में रखे हुए हैं और मैंने उनको खोला नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है ये मसाले के साथ। जी तो व्यूअर्स देखिए, ये हमने प्रेशर कुकर है, ये हमने नेचुरल रिलीज इसका कर लिया था। ठीक है ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ मैं, इसको खोलती हूँ। ये हमारे देखें चावल अभी तक गर्म ही है। हमने फिर जल्दी से बस इसको क्या करना है, ये मसाला जो मैंने आपको बताया है बनाया है मैंने, इसमें ये मैं इसमें डाल दूंगी। ठीक है, और मैं इसको दोबारा से जो है वो 5-10 मिनट के लिए चूल्हे के ऊपर रख दूंगी स्लो आंच पे। अगर आपका चूल्हा गर्म है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसको मिक्स करना है और हमारे चावल जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया, मैं इसको प्रेशर बगैर वेट के जो है वो इसको लगा दूंगी और वापस रख दूंगी। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से चावल हमारे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। जो मसाला हमने डाला था वो उसमें डाल के हमने जो है वो मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल प्रेजेंटेशन के आपको कैसे इसको सर्व करना है। चिकन भी यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेडी है, देखिए मैं आपको बताती हूँ फाइनल। जी तो व्यूअर्स देखिए, ये मैंने यहाँ पे प्लेटर सजाया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे इसकी आप, मैंने अंडे भी बॉईल कर लिए थे, थोड़ी सी रेड ऑनियन भी मैंने इसमें डाली है फ्राई करके, और थोड़ा सा कोरिएंडर। यहाँ पे मैंने दही का रायता बना लिया है इसके साथ, तो ये बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है, बहुत ही लाइट से चावल बन जाते हैं। उसके साथ चिकन 65 है हमारी और थोड़े से अंडे हैं। अब हम इसको खाएंगे मज़े से और आपको बनाएंगे कि कैसा बना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो लेती हूँ, आज नशरा जो है आई थिंक बिजी है, आई नहीं है अभी तक ऊपर से, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और खाते हैं। ये देखिए हमने इसको मिलाना है, अंडा भी खाइए साथ में आप लोग, फिर मज़े करिए। ये देखिए माशाल्लाह से रियली समथिंग न्यू, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया, ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट रेसिपी के तक इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।